नमस्कार, मैं छाई वाशने मॉम की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कजुन पटेटो। बारबेक्यू नेशन कभी गए हो तो वहाँ पर ये फेमस स्टार्टर्स रहता है, जो मैं आज आपको बहुत इजी तरीके से घर में बनाना सिखाऊंगी। चलिए, कैसे बनाना है पटेटो उसे? बनाने के लिए हमको ये मीडियम साइज के पटेटो चाहिए होंगे, जो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इसको हम 2 सीटी में बॉईल इस कर तरह लेंगे। हाथ की सहायता से इसको हम प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमने अपने सारे आलूओं को तैयार कर रखा है। अब इसको जिसमें हम डिप करके फ्राई करेंगे वो घोल तैयार करते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। इसको पानी की सहायता से गाढ़ा घोल बनाएंगे। इस तरीके से हम अपना घोल तैयार कर लेंगे। आइए आलू को डीप फ्राई करते हैं। इस तरीके से हम डीप फ्राई करेंगे सारे आलूओं को, अपने क्रंची होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम अपने कजन पटेटो की डिप तैयार करेंगे। इसमें हम 1 ग्लास मेयोनीज डाल रहे हैं। इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, सीजनिंग डालेंगे, आप चाहे तो पिज्जा सीजनिंग ले लें, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल लें हम इसमें, थोड़ा सा ऑनियन पाउडर डाल लें इसमें। डालेंगे हम कश्मीरी देगी मिर्च इसको, क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा नहीं करना पर रेड कलर देना है। इसमें मैं थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी दूध की मलाई डाल रहे हैं, या आप दूध भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा टेक्सचर देने के लिए। हमारे पटेटो फ्राई हो चुके हैं, हमारी डिप तैयार हो गई है। इसको हम अपने कजन पटेटो के ऊपर लगाएंगे। इस पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, इसमें थोड़ी सी ऑनियन, कोरिएंडर। ये हमारे डिलीशियस बारबेक्यू नेशन स्टाइल कजन पटेटो तैयार हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम पालक उबालते हैं और सब्जी बनाते हैं तो उसका रंग वैसा ग्रीन नहीं रहता जैसा रहना चाहिए। तो आज की टिप्स ये है कि जब भी हम पालक उबालें, उबालने के बाद तुरंत उसे चिल्ड पानी में डाल दें, उसके बाद उसको पीसें। देखिएगा, आपके पालक का रंग पहले की तरह एकदम हरा भरा रहेगा और आपकी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स की जो करी रहेगी वो भी ग्रीन कलर की रहेगी। तो आपको मेरी टिप्स और रेसिपी कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।